खतरा मोहल्ला वार्ड नंबर 21 और 22 के रहवासियों ने किया चुनाव का बहिष्कार। खबर शिवपुरी की। पुरानी शिवपुरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 और 22 से है। हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 21 और 22 कटरा मोहल्ला के निवासियों ने जल भराव की समस्या को लेकर आज चुनाव का बहिष्कार किया है। तो वहीं बाहर बैनर भी टांगा है जिस पर लिखा है कि प्रत्याशी वोट मांगने न आए क्योंकि उनकी जल भराव की समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हुआ। कई जगह शिकायत की लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। 20 सालों से लगातार रहवासी जल भराव की समस्या से परेशान है लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। कलावती जी, कौन सा वार्ड है ये? 22, 21, 22 दोनों ही है। क्या समस्या आ रही थी यहाँ? हम 20 साल से गंदगी में जी रहे हैं, ना कोई हमारी सुनवाई कर रहा है, ना ही कोई पानी का निकास दे रहा है। हम हर जगह जाके परेशान है, किसी ने हमारी नहीं सुनी है। तो हमने पहले कभी पार्षद से और नगर पालिका में शिकायत? हमने बहुत शिकायतें करी है, बहुत शिकायतें, 20 साल से ज्यादा से शिकायतें कर रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा। तो आप किस प्रकार का विरोध दर्ज कर रहे हो आप लोग? हम इसलिए कर रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, हमारा निकास दिया जाए पानी का तो वोट देंगे, नहीं वोट नहीं देंगे। कितने लोग परिवार होंगे यहाँ? 2,000 वोट है हमारे मोहल्ले में। कौन सी जगह है वार्ड नंबर? ये 21 और 22। एड्रेस क्या है यहाँ का? पुरानी शिवपुरी कटरा मोहल्ला। तो यहाँ से अभी जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनसे आपने शिकायत की थी कुछ इस बारे में? सबसे कह ली हमने, के परेशान। पहले जो प्रत्याशी थे वो कौन सी पार्टी से थे? कोई नहीं सुन रहा। 21 से भी थे, 22 से भी थे, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं। कौन सी पार्टी? कांग्रेस बीजेपी दोनों थे, किसी ने नहीं सुनी हमारी। तो अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते कि हमको पानी का निकास चाहिए, हम बराबर वोट देंगे। पानी के लिए आप क्या चाहते हो कि प्रशासन से कोई लोग आए आपको ये आश्वासन देने के लिए? हाँ, मेरा नाम सचिन बेड़िया है, मैं वार्ड नंबर 22 से हूँ। और 21 और 22 का जो यहाँ से काफ़ी टाइम से समस्या आ रही है, हम लोग कम से कम 20 साल से ये समस्याओं का सामना कर रहे हैं और आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। हम लोगों को खाली आश्वासन मिला है। अब माननीय कलेक्टर मोदी साहब के पास भी गए, नगर पालिका भी गए और जब अपना मंगलवार को जन सुनवाई लगती है उसमें गए, आज तक खाली कुछ भी नहीं हुआ आश्वासन के अलावा। आप किया जाएगा। किस प्रकार की समस्या है? ये नाला भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है, हम लोग को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे भी भर जाता है सर, वैसे भी मतलब भर जाता है। बगैर पानी का बारिश नहीं होगी तो भी भर जाता है। तो आपने इससे पहले कितनी बार शिकायत? बहुत बार की है सर, हमने पूरी समाज ने शिकायत कर चुके हैं सर। कब से समस्या आ रही है? 20 साल से हम लोग इसका सामना कर रहे हैं। 20 साल में तकरीबन कितनी बार समाधान के लिए आपने आवेदन दिया सर? बहुत बार दे दिया, बहुत, इतनी न्यूज वाले आ गए, इतने प्रेस वाले आ गए, कोई निराकरण नहीं हुआ आज तक। खाली मिला तो सिर्फ आश्वासन मिला, किया जाएगा, कर रहे हैं, मिल रहा है, बस यही हमारा कुछ नहीं। हमको बस ये थोड़ा सा मिल जाए कि हमारा नाला बन जाए, पानी का निकास हो जाए, यही हमारी समस्या है। और हमारी कोई समस्या नहीं किसी भी चीज़ को लेकर। तो आप क्या चाहते हो, कैसे इसका निदान हो? आप वोट देने के लिए तैयार? कब वोट देने के लिए तैयार? हम जब होंगे जब हमारा ये निकास हो जाएगा। हमारा कोई निकास नहीं हुआ है, हम लोग बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, नलियों में गिर रहे हैं, पानियों में गिर रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, घरों में पानी भर रहा, खाना नहीं बन पाता। हम जानते हैं हम लोगों की क्या स्थिति होती है। आपके क्षेत्र में लगभग कितने वोटर हैं? हमारे क्षेत्र में लगभग 1,000 के समथिंग वोटिंग होगी पूरी 21-22 की।